हाय किड्स, हाय सर। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिप टू, क्या पढ़ो? ट्रिप टू आगरा। आगरा। मैरी एंड बाउचुंग आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, मैरी और बाउचुंग दो लोग हैं जो कि अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहे हैं? घूमने के लिए। कहाँ? आगरा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे क्या हो गए हैं? उतर गए हैं ट्रेन से। ठीक है, वो कहीं दूर से आ रहे हैं और वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं। फिर उन्होंने वहां से एक रिक्शा लिया है जिससे कि वो कहां जाएंगे? ताजमहल। ठीक है, आफ्टर 3 आवर्स दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट। फिर वो ताजमहल में 3 घंटे तक घूमेंगे और उसके बाद वो आगरा फोर्ट के लिए जाएंगे, आगरा के किला देखने के लिए जाएंगे। अगेन इन अ रिक्शा इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सिटी। फिर जब वो आगरा फोर्ट जाएंगे उसके बाद वो फिर एक रिक्शा लेंगे और उसके बाद वो कहाँ के लिए निकलेंगे? फतेहपुर सीकरी के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा है। ये yes, ये लिखा है यहाँ पे मैप ऑफ आगरा, ये आगरा का पूरा एक नक्शा है। ठीक है, अब देखो ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये ट्रेन। और ये सारी जो दिखाई दे रही है क्या है? ट्रेन की पटरी। ये ब्लैक वाली क्या है? रोड। ये ब्लू वाली रिवर। ठीक है, अब रिवर के किनारे पे क्या है? ताजमहल। और इस रिवर के किनारे पे इधर से क्या है? फॉरेस्ट, ताज फॉरेस्ट। ठीक है, और इधर की तरफ एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है बाबरपुर फॉरेस्ट। और यहीं पर एक नदी के किनारे ये आगरा फोर्ट भी है। ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, उनके आंसर्स ढूंढने हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द डिस्टेंसेज बिटवीन दीज प्लेसेज फॉर किलोमीटर्स वी राइट KM। वो बोल रहे जब हम किलोमीटर लिखते हैं ना तो किलोमीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? KM। और सेंटीमीटर के लिए क्या लिखते हैं? CM। वेरी गुड। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लेके और ताजमहल की दूरी कितनी है? ताजमहल की कितनी है? ये पूरी कितनी है? ये पूरी 5 किलोमीटर। ठीक है, ताजमहल से आगरा फोर्ट, इस ताजमहल से लेके और आगरा फोर्ट की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। अब आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी, ये देखो आगरा फोर्ट से इस रोड से हमने जाना है फतेहपुर सीकरी, ये कितना किलोमीटर है? 40। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप विच इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। अब वो बोल रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ये ताजमहल ज्यादा दूर है कि फतेहपुर सीकरी? क्योंकि फतेहपुर सीकरी तो लगभग 40 किलोमीटर दूर है इस जगह से। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी क्या है? दूर। विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के पास क्या है? देखो दो टाइप के फॉरेस्ट है ना हमारे पास, एक बाबरपुर फॉरेस्ट है, एक ताज फॉरेस्ट। अब ध्यान से देखो कि ये वाला फॉरेस्ट नदी के पास है कि ये वाला फॉरेस्ट नदी के पास है? ये वाला। क्या नाम है इसका? ताज फॉरेस्ट। वेरी गुड, ताज फॉरेस्ट। अब नदी अब है रेलवे लाइन के, विच ऑफ दिस इज नियर टू द रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन के पास कौन सा है? ये वाला। रेलवे लाइन के पास तो ये वाला है और नदी के पास ये वाला है। ठीक है, एक बार इरेजर दे दो। ठीक है, तो रेलवे लाइन के पास कौन सा वाला है? बाबरपुर। ठीक है, अब रेलवे लाइन के पास आगरा फोर्ट है कि ताजमहल है? आगरा फोर्ट। ठीक है, यहाँ से ये इतना दूर है और इस यहाँ से ये इतना दूर है, इसका मतलब आगरा फोर्ट रेलवे लाइन के ज्यादा पास है। ठीक है, विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना, रिवर यमुना के पास क्या है? ताजमहल है कि रेलवे स्टेशन है? ताजमहल। ताजमहल तो देखो बिल्कुल नदी के पास है और रेलवे स्टेशन क्या है? नदी से थोड़ा सा दूर। ठीक है, समझ आई? यस सर। सबकी समझ में आई? यस सर। वेरी गुड।